इस दिवाली सलमान खान और कैटरीना कैफ की फिल्म टाइगर 3 सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। इस फिल्म को उनके फैंस के साथ फिल्म इंडस्ट्रीज को भी बहुत इंतजार है। उम्मीद की जा रही है कि पठान, गदर 2 और जवान की बॉक्स ऑफिस विरासत को फिल्म आगे बढ़ाएगी और बेहतरीन कलेक्शन करेगी। ठीक दिवाली के 12 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है, जहां इसे पहले से तैयार मिलेगी हॉलीवुड की सुपर हीरो फिल्म द मार्वल्स। जिस मार्वल्स मूवी का भारत में भी बहुत क्रेज है, जिसका मतलब है हॉलीवुड और बॉलीवुड का क्लैश होगा, जिसमें मार्वल्स गर्ल्स एक साथ नजर आएंगी। यह फिल्म 10 नवंबर को अंग्रेजी के अलावा हिंदी, तमिल और तेलुगु भाषा में भी रिलीज होगी। यानी टाइगर 3 को सिर्फ हिंदी में ही नहीं बल्कि दक्षिण भारतीय राज्यों में भी टक्कर मिलेगी। द मार्वल्स में सबसे ताकतवर एवेंजर में से एक कैरोल डेनवर्स यानी कैप्टन मार्वल, नई सहयोगियों कमला खान उर्फ मिस मार्वल और बागी भतीजी कैप्टन मोनिका रैम्बो के साथ नए एडवेंचर पर निकलेंगी। निया डकोस्टा ने फिल्म का निर्देशन किया है, जबकि ब्री लार्सन, टेओनाहा पेरिस, इमान बेलानी और सैमुअल एल जैक्सन प्रमुख किरदार में दिखेंगे। मिस मार्वल के रोल में इमान बेलानी है। मिस मार्वल के कैरेक्टर को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर आई सीरीज के जरिए पहले ही इंट्रोड्यूस किया जा चुका है। टाइगर 3 की एडवांस बुकिंग 5 नवंबर से शुरू हो जाएगी, जबकि द मार्वल्स के लिए टिकटों की एडवांस बुकिंग 4 नवंबर से ही शुरू हो रही है। शुक्रवार को हैदराबाद में समंथा ने फिल्म का नया वीडियो रिलीज किया। कार्यक्रम में उन्होंने एडवांस बुकिंग का ऐलान भी किया। इस मौके पर समंथा ने कहा कि कैप्टन मार्वल उनका पसंदीदा कैरेक्टर है। दिवाली पर रिलीज हो रही इस फिल्म के लिए मार्वल से जुड़ना खुशी की बात है। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की फिल्में यहाँ अच्छा खासा कारोबार कर रही हैं। खासकर एवेंजर सीरीज ने कमाई के नए रिकॉर्ड बनाए। 2019 में रिलीज हुई कैप्टन मार्वल ने 84 करोड़ का नेट कलेक्शन करके हिट साबित हुई। वहीं एवेंजर्स एंड गेम ने 365 करोड़ का शानदार कलेक्शन किया था। टाइगर 3 और द मार्वल्स के बारे में आपके क्या विचार हैं कमेंट में बताना। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।